लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। राहुल गांधी शेखावाटी से करेंगे कांग्रेस के प्रचार अभियान का शंखनाद जयपुर। नरेंद्र शर्मा, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत शेखावाटी क्षेत्र से होगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसी माह के तीसरे सप्ताह में सीकर में आम सभा को संबोधित कर पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस हमेशा अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत उदयपुर संभाग से करती रही है, लेकिन इस बार शेखावाटी को चुना गया है। शेखावाटी से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने का मकसद इस क्षेत्र के जाट और राजपूत मतदाताओं में राज्य सरकार से बढ़ती नाराजगी है। शेखावाटी के लोगों ने पिछले दिनों किसान आंदोलन सहित विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ खुलकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस इसी का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। इधर भाजपा के चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की 4 अगस्त को चार भुजाजी से प्रारंभ होने वाली राजस्थान गौरव यात्रा से होगा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह वसुंधरा राजे की यात्रा की शुरुआत के मौके पर एक आम सभा को संबोधित करेंगे। सीकर में राहुल गांधी की सभा आयोजित कर कांग्रेस आसपास के 3 जिलों के 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी सीकर में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल खाटू श्याम मंदिर और रींगस के भैरव जी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विनाश पांडे ने सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों के नेताओं के साथ भीड़ जुटाने को लेकर चर्चा की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट का कहना है कि संसद सत्र के बाद राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा होगा। संसद सत्र 10 अगस्त तक चलेगा। जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले राहुल गांधी की 2 राजस्थान यात्रा होगी। इनमें एक शेखावाटी क्षेत्र में और दूसरी भरतपुर संभाग में होगी। सचिन पायलट का गहलोत पर तंज, मुझे जब अध्यक्ष बनाया तो पार्टी को 21 सीटें मिली थी। सीएम पद के चेहरे को लेकर राजस्थान के कांग्रेसी नेताओं के बीच गुटबाजी बढ़ती जा रही है। सीएम पद को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए बयान के बाद अब पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि मुझे जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था तो पार्टी को विधानसभा में 21 सीटें मिली थी। ये सीटें आजादी के बाद सबसे कम थी। बृहस्पतिवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में पायलट ने कहा कि 4.5 साल पहले पार्टी की जो हालत थी उसमें मैंने सुधार किया है। मुझे जब पीसीसी की कमान सौंपी गई थी तो कई बड़े नेता यहां थे, लेकिन राहुल गांधी ने मुझे अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने कहा, मेरा निशाना सीधे अर्जुन के तीर की तरह है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। उल्लेखनीय है कि पिछले एक माह में अशोक गहलोत कई बार इशारों ही इशारों में खुद को सीएम पद का चेहरा बता चुके हैं। गहलोत समर्थकों ने पायलट के खिलाफ खेमेबंदी भी प्रारंभ कर